हरदोई जनपद के बेलग्राम थाना क्षेत्र के पसनामऊ में संदिग्ध अवस्था में आग लगने से गंभीर रूप से जली विवाहिता की मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने पति पर पेट्रोल से जलाकर मार डालने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। हरदोई के बेलग्राम थाना क्षेत्र के पसनाऊ में प्रमोद की 20 वर्ष पहले सरोजा के साथ शादी हुई थी, उसके 3 बच्चे भी हैं। घर में संदिग्ध अवस्था में आग लगने से सरोजा गंभीर रूप से जल गई, जिसकी मेडिकल कॉलेज लाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। इस दौरान मायके वालों ने पति पर पेट्रोल से जलाकर मार डालने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बताओ आगी लगा दी है इस बार मंदोवा में भूखी डाल दी थी आगी लगा दी थी पर मुंह आगी लगा दी इस बार मंदोवा है बिटिया भूखी डाल रही थी नीचे भले बिटिया का भैया हां हम बिटिया या पठाई रहा बनाए उन्नाव डिस्ट्रिक्ट पंचम के लिए रहने वाले हैं। मेरी बहन पसनामऊ बेलग्राम थाना जिला हरदोई में गई थी। आज के 15 दिन पहले मेरी बहन को इसने जिस चौराहे पे मारा टूटा, फिर ये कहने लगा डाल के पेट्रोल जला देंगे हम। फिर उसके बाद में भूतपूर्व प्रधान ये सब लोग गए मेरे घर, फिर कहने लगे पूरी जिम्मेदारी हमारी हम लोगों ने भेज दिया। उसके बाद में ये आवाज में ये आए दिन लड़ाई, आए दिन बीच चौराहे पे गिरा गिरा के बीच चवार पशुओं में मारता घूमता रहा। जब बिलबिला के मेरी बहन को इसने आज डाल के पेट्रोल जला दिया। क्या नाम है बहन का आपका? सरोज कुमार। थाना बिलग्राम में एक अकबरपुर पसनामऊ गांव पड़ता है, जहाँ की वो महिला रहने वाली थी। वहाँ पर फिर अभी तक की जानकारी मिली है, पति और पत्नी में जो है अक्सर कुछ बातों को लेकर वाद विवाद होता रहता था। उसी में कल 4 बजे पति पत्नी में काफ़ी झगड़ा हुआ, कहा सुने मारपीट घटना घटित हुई थी, जिससे महिला छुप धो के जो है पेट्रोल डाल के खुद को आग जला लिया था। उससे पति द्वारा तत्काल जो है उसे जिला अस्पताल ले आया गया इलाज के लिए, जहाँ पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। उसमें पुलिस द्वारा पंचायत में पोस्टमार्टम कार्रवाई घोषित है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी।